अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू लाइलैक इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब मुनीर। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू मोनेटाइज चैनल फॉर शॉर्ट्स। हम शॉर्ट्स के लिए यूट्यूब चैनल किस तरह मोनेटाइज कर सकते हैं। जिस तरह कुछ दिनों पहले ही यूट्यूब की तरफ से न्यू पॉलिसी आई है कि आप अब शॉर्ट्स से भी अर्निंग कर सकते हैं, तो अब हम किस तरह देखेंगे कि YouTube जो शॉर्ट्स है उस पर पॉलिसी क्या है और YouTube हमें कितने परसेंट जो है पे करेगा शॉर्ट के लिए, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने YouTube शॉर्ट को किस तरह अप्लाई करना है, या जो जो है YouTube शॉर्ट के जो व्यूज़ है वो हमने किस तरह देखनी है। तो आपने क्या करना है, आपने YouTube ओपन कर लेनी है। YouTube ओपन करने के बाद अगर आपके पास चैनल है तो क्या करेंगे, आप चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर आप अपने चैनल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिलेगा। कस्टमाइज चैनल पर जाने के बाद आपके सामने ये कस्टमाइज वाला जो है मेन्यू ओपन होगा, कस्टमाइज वाला पेज ओपन होगा। ये देख सकते हैं कि आपके पास चैनल कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पर अर्न का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप क्या करेंगे, आप अर्न पर क्लिक करेंगे। अर्न पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये जो लॉन्ग वीडियोस है, लॉन्ग वीडियोस का टाइम है जो 4000 वॉच टाइम है, और यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए होंगे। यूट्यूब की तरफ से यह एक बहुत अच्छी पॉलिसी और शानदार पॉलिसी है, इसको अवेल करके आप ईजीली यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। लॉन्ग की बजाय जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं ये वायरल भी ज़्यादा होती हैं। जो लोग हैं शॉर्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिस तरह 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो लोगों के पास अक्सर इतना टाइम नहीं होता। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो तो वीडियो ओपन करते हैं, वीडियो को ओपन करने के बाद अच्छे से वीडियो को चेक करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जस्ट जो हैं शॉर्ट्स के शौकीन होते हैं, वो बार बार शॉर्ट्स को ही देखते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट व्यूज़ के लिए आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए। आपने चैनल क्रिएट करना है, चैनल क्रिएट करने के बाद आपको मोनेटाइजेशन में दो तरीके मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपका 1000 सब्सक्राइबर होना ही चाहिए। अगर आप 4000 वॉच टाइम करना चाह रहे हैं तब भी आपका 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। अगर आप 10 मिलियन व्यूज़ करना चाह रहे हैं तब भी आपका 1000 सब्सक्राइबर ये होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपके 10 मिलियन व्यूज़ पूरे हो गए शॉर्ट पर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। ये क्या करना होगा, आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने ही होंगे, चाहे आप 4000 में कर लें, चाहे आप 10 मिलियन में कर लें। तो आपने क्या करना है, आपने अपना 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेना है। उसके बाद जो वॉच टाइम है, आप चाहे तो 4000 से चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर 4000 आपका कम्प्लीट नहीं हो रहा तो आप शॉर्ट के ज़रिए से भी 10 मिलियन जो है व्यूज़ ये लेकर आप ईजिली चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैं साथ के साथ ये भी बता दूं, अगर आपका एक ही चैनल है, एक ही चैनल पर आप लॉन्ग वीडियोस भी डाल रहे हैं, शॉर्ट भी डाल रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपके लॉन्ग वीडियोस का वॉच टाइम पूरा हो गया तो वो यहाँ पर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपके शॉर्ट के व्यूज़ पूरे हो गए तो क्या होगा, आपके जो 10 मिलियन व्यूज़ जैसे ही पूरे होंगे आप यहाँ पर चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें शॉर्ट फीड एड्स आ जाते हैं। शॉर्ट फीड एड्स में अगर मैं लर्न मोर पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यू कैन अर्न रेवेन्यू फ्राम एड दैट रन इन बिटवीन वीडियोज इन द शॉर्ट फीड। यूट्यूब कहता है कि अब आप जो है रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, जो ये एड्स होंगे वो अब आपके शॉर्ट फीड के दरमियान में शो हो रही होंगे। जिस तरह ही शॉर्ट स्टार्ट होगी उसके अंदर या दरमियान में या एंड में या स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके एड शो होंगे। एड शो होने के बाद आपको जो है YouTube आपको उसका पे कर देगा। अब YouTube कितना पे करेगा वो भी हम देखते हैं। अगर आपने तफसील से देखना है कि शॉर्ट फीड किस तरह काम करते हैं, आप क्या करेंगे, आप लर्न मोर पर चले जाएंगे। लर्न मोर पर जाने के बाद आप यहां पर देखें ये पॉलिसी है मोनेटाइज विद YouTube पार्टनर प्रोग्राम। यहां पर आप आएँ तो यहां पर आपको एक डेट शो मिल जाती है, 1 फरवरी 2023। मतलब कि जो ये स्टार्टिंग होगा ये 1 फरवरी से होगा। ये नहीं है कि आपने 1 फरवरी से ही चैनल बनाना तभी आपका जाके चैनल मोनेटाइज होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो रेवेन्यू मिलना स्टार्ट होगा वो आपको 1 फरवरी से ही मिलेगा। आपका जो है 7 महीने चैनल पुराना या 1 साल चैनल पुराना, या आपने 2 दिन पहले बनाया, आप 2 दिन पहले बना लिया, या आपने 1 महीने पहले बना लिया, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन जो आपके शॉर्ट्स के रेवेन्यू है ना, वो आपको 1 फरवरी 2023 मतलब कि 1 फरवरी 2023 तक जो है आपको ये स्टार्ट हो जाएगा, आपका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको टर्निंग ऑन शॉर्ट्स रेवेन्यू शेयरिंग मिल जाती है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद एलिजिबल ऐड कौन कौन से हैं, जैसे ही आप नीचे आते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हमें YouTube पे कितना करेगा, हमें YouTube कितना दे रहा है और YouTube हमें कितने परसेंट दे रहा है। यहाँ देख सकें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा YouTube विल पे 45% ऑफ द नेट रेवेन्यू फ्रॉम YouTube प्रीमियम दैट इज लोकेटेड टू मोनेटाइजिंग क्रिएटर्स फॉर शॉर्ट्स। शॉर्ट्स पर क्या होगा, YouTube आपको 45% देगा, आपके जो शॉर्ट्स पर एड चल रहे होंगे उसका जो है आपको YouTube 45% देगा। 45% काफ़ी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने, अगर किसी एड वाले ने $10 या किसी एड वाले ने $5 पे किए हैं, उसमें से जो 45 होगा वो आपको मिलेगा, बाकी जो 65 होगा वो जाएगा YouTube की तरफ। ये है 45। तो यहाँ पर आप इजीली इसको टोटल आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप YouTube शॉर्ट्स के बारे में तफसील से जाना चाहते हैं, अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर दूं या इसको मैं आपको डिटेल से बताना स्टार्ट कर दूं तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको डिटेल से नहीं बता रहा, मैं आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आपने क्या करना है, आपने चैनल पर जाना है, चैनल पर जाने के बाद आप कस्टमाइजेशन पर जाएंगे, आप अर्न वाले ऑप्शन में आएंगे, उसके बाद शॉर्ट फीड एड्स हैं। अच्छा, ये ज़रा ना न्यू अपडेट है, हो सकता है आपके चैनल में ना मौजूद हो सकता है कुछ चैनल में आगे, लेकिन मोस्टली जितने भी चैनल है उसमें ये अपडेट आ चुकी है। कुछ काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमारे चैनल में ये भी अपडेट नहीं आई, तो इंशाल्लाह अगर आपके चैनल में ये अपडेट नहीं आई तो बहुत जल्दी ये चैनल में ना अपडेट आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये मेरा चैनल न्यू है, ये चैनल बिल्कुल न्यू है, ये रन कर रहा हूँ, तो इस पर क्या है कि जो शॉर्ट्स है इसकी अपडेट आ चुकी है मेरे पास। तो यहाँ पर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आपको मोनेटाइज, ये आप देख लीजिएगा। सबसे जो मेन चीज़ है, आपने क्या करना है, आप जो शॉर्ट के कंटेंट हैं वो आपने कहाँ से ढूंढने हैं। शॉर्ट के जो कंटेंट है वो बिल्कुल वायरली और टॉप ट्रेंड होने चाहिए। टॉप ट्रेंड किस तरह होने चाहिए, यहाँ पर अगर मैं आपको यूट्यूब पर लेकर जाता हूँ, मैं यहाँ पर अगर आपको किचन गैजेट्स के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैं किचन गैजेट्स जो है क्लिक करता हूँ, किचन गैजेट्स क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर सर्चिंग हो रही है। तो समटाइम ऐसी होती हैं कि ये जो कंटेंट होता है यूट्यूब पर अपलोड हो रहा होता है तो वो जो कंटेंट होता है हम उसे देखते हैं और देखने बिना हमें रहा ही नहीं जाता। जिस तरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें 10 मिलियन व्यूज़ है और ये वीडियो भी 14 मिनट्स की है। तो ये जो वीडियोस हैं, आपने कंटेंट कहाँ से हासिल करना है, कॉपीराइट जिस पर इशू ना है तो आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसको, उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि ये कंटेंट आपने कहाँ से हासिल करना है। अगर ये आप कंटेंट लगाते हैं, ये इतना ट्रेंडी जो है कंटेंट है, इतना पॉपुलर कंटेंट है, आप इजीली इससे अर्न कर सकते हैं। ये देखें आप 10 मिलियन व्यूज़ हैं 1 ईयर अगो, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नीचे आएँ तो आप देखें 16 मिलियन जो है 2 ईयर अगो। अब ये जो प्रोडक्ट वाली चीज़ें हैं हमने कहाँ से लेनी है, ये मैं आपको सारा बता दूंगा, आपने फिक्र नहीं करनी। ये हमने कंटेंट कहाँ से ढूंढना है, उसके बाद जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा जिस पर कॉपीराइट इशू ना आए वो हमने कहाँ से फाइंड करना है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिस वीडियो के अंदर हमने यूट्यूब शॉर्ट के बारे में पढ़ा है। अगर YouTube Shorts के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं कंटेंट पर वीडियो बनाकर ताकि आप अपना चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआएँ लेते रहें और दुआएँ देते रहें।